चलिए स्टूडेंट, फिर से एक बार केमिस्ट्री में पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे नहीं पार्ट थ्री में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई अपने हमने जो रेट फाइंड किया है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एवरेज रेट भी निकाला हमने और दूसरा है इंस्टेंट रेट, तो उसका यूनिट क्या होगा। सपोज मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आर एवरेज है आपके पास, तो उसका आपने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्या मीनिंग हो जाता है इसका, आर अगर एवरेज है तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिससे हमें इतना पता चल जाता है कि भाई इसमें मुझे अगर इसका यूनिट चाहिए तो मुझे इसका यूनिट देखना पड़ेगा और इसका। इसके पहले मैं बता देता हूं, यहां पे ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है जिसके अंदर आपने रिएक्टेंट भी लिखा है, कभी कभी प्रोडक्ट भी लिखते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इज शोइंग समथिंग डिफरेंट, लाइक इट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ब्रैकेट। इसको क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट। दोस्तों ये मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपने आर लिखा ना, तो इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ आर। पी लिखा है तो कंसंट्रेशन ऑफ पी, कोई भी चीज को, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कौन से यूनिट में लेना है, तो वो होगा आपका मोलर मोलारिटी कैपिटल एम। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको, उसका यूनिट क्या होगा, मोलर अपॉन, नीचे जो टाइम दिख रहा है उसका यूनिट क्या होगा, टी सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाता है मोलर इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर आप उसको मोलर को मोल अपॉन लीटर करना चाहते हो तो ये यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड अगर डिनोमिनेटर में रखोगे तो वो सेकेंड ही रहता है, लेकिन न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। सो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था आपको कि इसका यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है। अब दोस्तों आपके ये चैप्टर में एक एग्जांपल है, देख सकते हो 4.1 है ना, सबके सामने होगा। उसका क्वेश्चन मैंने यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन एक रिएक्शन लिखा है, इट इज योर ब्यूटाइल, चार कार्बन है और क्लोरीन है, तो इट इज कॉल्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, रिएक्ट विथ वाटर गिव्स दिस काइंड ऑफ अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HCl, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, फॉर्म द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम गिवन बिलो, बिलो कहा, तो बिलो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरे जितने भी वैल्यू से वो सब बिलो। अब कैलकुलेट द एवरेज रेट, आपको पता चल गया एवरेज रेट का फॉर्मूला तो ये था माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है। What is R here? Here, C4H9Cl concentration means R. क्यों भाई R है ये? Because it is a reactant. Now, during different time interval, T second है, तो मैंने ये T1 ले दिया। पहला जो time दिया है उसको T1, दूसरा है उसको T2 बोलेंगे। दूसरा है उसको दूसरी कंडीशन में T1 और तीसरे को T2, थर्ड कंडीशन में थर्ड को T1 और T2। समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पे लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, मैं बोलूंगा नहीं। इसका यूनिट है सेकेंड, सेकेंड R मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सिर्फ मोलर में होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सिर्फ मोलर में होता है। डेल्टा टी का फॉर्मूला हो गया T2 माइनस T1,
तो और टेम्परेचर टाइम ही मिलेगा हमें, टाइम मिल रहा है तो सेकंड, डेल्टा आर का मीनिंग हो जाए आर टू माइनस आर वन, वो भी मोलारिटी में ही होगा और एवरेज में होता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला यहां से ही मिला है और उसका यूनिट मिनट मीटर सॉरी मोलर इनटू सेकंड इनवर्स। अब हम जो जो वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में दी हुई है देख सकते हो ना, वो सारी वैल्यू इसके अंदर हमें रखनी है। एट जीरो टाइम, चलो जीरो टाइम हमारा आर का मतलब कि सी फोर एच नाइन सी एल का वैल्यू कितना है, 0.100 मोल पर लीटर है कि नहीं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल पर लीटर, और करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं। चलो और दूसरी चीज कि वही टाइम T2 पे मतलब 50 सेकंड के बाद चेक किया तो उसको मैं 0.0905, कुछ समझ में आया? ये चार डिजिट मैंने पहले दो वैल्यू से लाया हूं। अब मेरी दूसरे कंडीशन में क्या हो जाता है, दूसरी परिस्थिति में मैं ले रहा हूं 50 जो दूसरे पाइना में है टाइम पे सेकंड 50 पे, उसको मैं T1 ले रहा हूं, तो उस टाइम उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.0905 और टाइम कितना था T2 100, तो 100 पे है 0.0820। आगे जाएंगे कि ये 50 है और वो 100 बन के सामने कितना पड़ेगा 150, तो ये कितना मिल रहा है 100 पे 0.0820 है लेकिन 150 पे है 0.00741। सिमिलरली यहां पे मैं 200 लिख रहा हूं, सॉरी 200 नहीं 150, तो ये 200 बनेगा, तो ये हो जाएगा 0.074 और 200 पे देख सकते हो कितना है 0.671। अब ये 200 से 300 जा रहा है 0.0671, 0.0549, 300 से 400 जा रहा है 0.0439, 549 और ये बन जाता है 0.0439। 400 पे देखा ना, पेज में ही 400 टू 700 हो जाएगा 439 और ये हो 0.0210। 700 से 800 बन जाएगा दोस्तों, तो चलो 0.0210 0.017। ये सारी वैल्यूज हमने कहीं से नहीं लगाए, क्वेश्चन में जो था उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू हमने फाइंड किया। सर T1 T2 क्यों किया? क्योंकि मुझे एवरेज रेट फाइंड करना है, आर एवरेज, और आर एवरेज का फॉर्मूला है R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, यस और नॉट? तो मैं सारी कंडीशन के लिए अगर यही चीज समझू और समझाने का ट्राई करो कि ये कंडीशन में मुझे इसमें लिखूंगा तो क्या मिलेगा वो, और उसमें क्या लिखूंगा तो वो, ये मैं सेपरेट कर लूंगा दोनों ब्रैकेट्स को। चलो डेल्टा टी कितना है, T2 माइनस T1 50 माइनस 0 50, और ये आर डेल्टा आर कितना है R2 माइनस R1, तो कैलकुलेटर उठा लेना है आपको, 0.0905 माइनस 0.100, तो ये मिल जाता है माइनस 0.0095। माइनस आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं समझे? मैं ऐसे दो करवाता हूं आपको, 100 माइनस 50 0.0820 माइनस 0.0905, ये हो जाता है 0.0085। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग
सिमिलर पैटर्न में ये दोनों ब्रैकेट को मतलब जो कॉलम है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यस सर, ये माइनस ये हो जाएगा 150 माइनस, मैं इसको करके देता हूं आपको 200 माइनस 150, 300 माइनस 200 100 और 3 100, 300 400 300 और 800 माइनस 700 मतलब 100। चलो ये सेव करवाता हूं मैं लास्ट वाला। अब ये दोनों का डिफरेंस दे रहे हैं 0.072 माइनस 0.021 जीरो, तो ये हमें मिला 0.004। चलो रेडी हो दोस्तों, अब हमें लास्ट चैप्टर जो इसमें हमें जाना है, इसके लिए मेरे पास ये माइनस है और डेल्टा आर है डेल्टा टी है। अब ये डिवाइड बाई ये इनटू माइनस वन, तो माइनस निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। अब क्या बचेगा ये बता रहा हूं, तो मैं आर एवरेज के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसमें एक में लिख रहा हूं, बाकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइड बाय 50, तो चलो 0.0095 डिवाइड बाय 50, तो आपको कुछ ऐसा आंसर देना है 0.00019, है ना। अच्छा, अब आप एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट ले जाना चाहते हैं तो कितना बनेगा, डिजिट जो है पॉइंट जो है वो शिफ्ट टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड चार पॉइंट खिसा है, सो माइनस फोर, समझ में आया, 10^-4 आएगा। तो ऐसे आप देखना है। सिमिलरली अगर यहां पे कोई पूछेगा डिवाइड बाय 15, तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा 0.085 डिवाइड बाय 15, तो हमें मिल जाता है 1.7 × 10^-4। अब मैं ये लास्ट वाले को करना चाहूंगा, इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर हमें एवरेज रेट चाहिए तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल रहा, 1.9 से कम होगी, 1.7 कम कम डिक्रीजिंग ऑर्डर होते होते फाइनली हमें इतना मिलेगा। सो एवरेज रेट ऑफ दिस इक्वेशन इज decreases from 1.9 × 10^-4 to 4.0 × 10^-5। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, molar into second inverse। तो ये आपका कोई exact value नहीं मिल रहा है, एवरेज रेट ऐसा ही होता है, स्लोली स्लोली जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे ये ऑलवेज डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है इसीलिए वी कांट फाइंड द एक्सैक्ट वैल्यू ऑफ एवरेज रेट। इफ यू वांट टू द वैल्यू ऑफ रेट इज एक्सैक्ट देन फाइंड इंस्टेंट रेट। इंस्टेंट रेट इज फाइंडिंग फॉर द स्पेसिफिक डिफरेंस ऑफ टाइम, या तो हम रेंज ऑफ टाइम, बट इट्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रेंज ऑफ टाइम वी कैन फाइंड द इंस्टेंट रेट। बट हियर दे आस्क अस इन 4.1 ओनली एवरेज रेट, सो एवरेज रेट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, वी कैन से। आप लोग ये क्लियर कर सकते हो, कर लेना, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू।